अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग हमने रिक्शे में बैठ के स्टार्ट किया है। अभी हम लोग जा रही थी मार्केट, आज मैंने कपड़े लेने हैं और ये मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों मेरे साथ ही जा रही हैं। ये कह रही थी कि चलो हमें साथ लेके जाओ, हम तुम्हें बताएंगे किस तरह के कपड़े लेने हैं, हम तुम्हारे साथ पसंद करेंगे। चलो जी, मार्केट जाके मिलते हैं आपसे। ये इत्थे असी शहर पहुंच गए सी और सब तो पहले असी लभ रहे सी अपने पिंड वापस जाने वाले रिक्शे नूं, क्योंकि असी लै लिया सी इत्थों बीफ, आंदे ही असी लै लिया सी। और अम्मी ने कहा सी कि जिहड़ा भी रिक्शा पहले आएगा ना पिंड, उहदे हथ भेज दी, उहनूं कहियो घर पहुंचा दे, तुहाडे आउण तों पहले पहले मैं हांडी बना रखूंगी और तुसीं तसल्ली नाल जाके शॉपिंग करो। फिर जी असीं आ वाले भाई नूं मीट पकड़ाया, क्योंकि इन्हां ने सब तों पहले पिंड जाणा सी। इन्हां दा रिक्शा तैयार खड़ा सी, सवारियां पूरियां हो गईयां सी, ते बस जी इह साडा मीट लै के जाणगे ते अम्मी हुणां नूं पिंड जा के पकड़ा देणगे। भी गर्मी लगती होनी कोई गल नहीं। नहीं करके डिस्पोजेबल कप च पा लिया, एक साढ़े दस के आले ना दे दे। हाय हाय पागल दफा होनी है ना, पहले स्नैपचैट काट ले ना, थोड़ा साइड मार मेरा देख के ना जान चल। मां सदके बेचारे नु वक्त नु पाता वेला तेरे लिए। चलो चल, बाकी मेरा काका रख ली है चीज खा ली। हां ठीक हो गया, चल सही है, सही होना कराना, चल दौड़ जा। रानी ने दो गिलास पीने, नहीं आ साढ़े रक्षी वाले का है, भी थोड़ा फला जूस भी पी ली है। सच में फिर सुबह सुबह नाश्ते साग खा लिया और इन्नी अज गर्मी सी, फिर मेरे सीने च बहुत ज्यादा जलन हो रही सी। आंदे सब तो पहले असी जूस पी लिया, उस तो बाद असी मोबाइल दे कवर्स वगैरह ले। मेरी सिस्टर ने भी अपने मोबाइल दा कवर लिया और मैनू भी आईफोन दा कवर बहुत प्यारा मिल गया, तो मैं भी अपने वास्ते ले लिया। ए वाली शॉप हैगी रंगालिया दे सामने, इत्थे रंगाले बैठे होंदे आ उन्हां दे सामने ही शॉप सी, इत्थों असी कवर लेंदे होंदे सी पहले भी, अज भी मैं इत्थे ही आई सी। इस तो अलावा मैनू नहीं पता किसी होर शॉप तो भी अच्छे मिलते होंगे, तो वह मैनू नहीं पता सी। अच्छा जी, इस तो बाद असी आ गई सी पाग ज्यूलर्स कोल, इन्हों को ला के मैं बनवाना सी मुजना वास्ते सैट। आ वाले मैं टॉप्स देख रही सी, जिस तरह के मैं अभा सिटी देखे सी ना, वो भी मलाइशियन डिजाइन सी और उदी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही सी, यानी उदे मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा सी। और मैं उस टाइम सोच लिया सी कि मैं पाकिस्तान जाके ही बनवाऊंगी, क्योंकि इन्हों को जो भी मैं गोल्ड बनवाया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह इन्हों को बहुत अच्छे डिजाइन होंगे आ, और इन्होंने जो चीज बना के देनी होंगी ना उदी गरंटी होंगी। इन्हों को मैं सऊदीया जाने तो पहले हमेशा गोल्ड बनवाया सी, और जो मैं सऊदीया चली गई ना उही गोल्ड जाके मैं उत्थे भी जो एग्जाम करवाया, तो उन्होंने मैंने दसिया ये 21 कैरेट नहीं है, 21.6 यानी कि 22 दे कोल कोल इन्ना खालस गोल्ड बना के देंदे आ। तो मैंने इन्हां ते इन्ना ज़्यादा यकीन भी है इस वजह तो, और इन्हां दा डिजाइन भी मैंने बहुत पसंद आ। मुसना वास्ते देखते देखते मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ा पसंद आ गई सी, लेकिन पहले मैं सोचा कि जदों तक बड़े भाई इन्हां दे आनगे ना उन्नी देर तक मैं थोड़ी होर शॉपिंग वगैरह कर लाँ, उस तो बाद आके मैं दोबारा ना अपने जिहड़ी भी चीज़ बनवानी आ उहदा डिजाइन वगैरह दस दूंगी। अच्छा गाइस, मुझे नहीं पता कि जब मैं पंजाबी बोलती हूँ तो मुसलसल बोलती रहती हूँ, और अगर उर्दू भी आ जाऊँ तो फिर मेरी उर्दू में ब्रेक नहीं लगती। खैर जी, यहाँ पे फिर मैं सबसे पहले आ गई थी लेसिस देखने के लिए। ये सूट मैंने लिया था उस्मान क्ला था उसे, और इसके लिए आज मैंने लेसिस वगैरह लेनी थी, मैंने देने हैं टेलर को स्टिच होने के लिए कपड़े। और वहां से जब मैं निकली हूँ ना लेसिस लेके, साथ ही मुझे ये शॉप नजर आई, यहाँ पे मुझे कपड़े बाय डिस्प्ले पे बहुत प्यारे लगे थे, फिर मैंने सोचा अंदर जाके देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये टू पीस का प्रिंट निकलवाया, ये बिन सईद की
इसकी लॉन है और ये डोरी वाला कपड़ा है, लेकिन मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा। ट्राउजर इसके साथ इनके पास नहीं था, इन लोगों ने अपनी तरफ से मैचिंग करके मुझे दिखाया, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने ओवरऑल में ही ये पूरा सूट ले लिया था। इसके अलावा फिर बाद में ये मुझे अजीब व गरीब से डिजाइन दिखाते रहे। पहले तो इन लोगों ने ना मेरा पूरा दिमाग घुमा के रख दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे डिजाइन मुझे दिखा रहे हैं। मुझे इस तरह के कपड़े नहीं अच्छे लगते, मुझे खिले खिले से रंग पसंद हैं और डिसेंट डिसेंट से प्रिंट अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा भरे भरे प्रिंट नहीं अच्छे लगते। ये देखें, अब ये इस तरह का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसका दुपट्टा देखें, अल्लाह माफ़ करे, जैसे पोने का कलर होता है ना, जैसे हमारे रोटी वाले रुमाल होते हैं उन्हों से पंजाबी पोना कहते हैं, वो दुपट्टा भी मुझे पोने की तरह ही लग रहा था। खैर जी, बाद में मुझे मेरी पसंद के कलर नजर आए और इतने खूबसूरत इनके साथ दुपट्टे थे शिफॉन में। आपको पता है लॉन का सूट, शिफॉन का दुपट्टा मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये इतने प्यारे कलर्स में, इतने अच्छे अच्छे प्रिंट्स में मुझे ये सूट मिले ना, इनके दुपट्टे फिर मैंने अपने ऊपर लेके देखे, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, और आप यकीन करें ये तीनों कलर्स मेरी बहनों को मेरे ऊपर लिए हुए इतने प्यारे लग रहे थे। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे कहा कि ये तीनों सूट ही तुमने लेने हैं। एक मिनट प्रोटोकॉल भाई, मेरी बात सुन, देखें आप कितनी मेहनत से मुझे कपड़े दिखा रहे हैं, मुझे भी शर्म आ रही है ऐसे उठने का, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन देखें ये इतना बड़ा दामन मैं नहीं पसंद करती। अच्छा, दामन लाइट चाहिए मुझे, इतना बड़ा बड़ा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तुम रेड कलर रेड से देखो ना, साढ़े वाले पता नहीं दिल ची की लिया और कड़के चली जाएगी। हाँ ये दिखा, ये बेशक दिखा है। अच्छा इसका कैटलॉग मुझे अच्छा मुझे अभी पक्का याद नहीं है, लेकिन अंदाजे से बता रही हूँ कि मैंने यहाँ से 7 या 8 सूट लिए थे। उनमें से एक मैंने अम्मी को दिया, बाकी सारे मेरे थे। और इसके अलावा मैंने अम्मी के लिए वाइट चादर ली थी और अपने लिए मैंने ब्लैक और वाइट ट्राउजर्स के कपड़े भी लिए थे। और यहाँ पे जो मेरा बिल बना है ना, वो भी अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। और इनके माशाल्लाह कपड़े बहुत प्यारे हैं और इनका स्टफ भी बहुत अच्छा है, रेट भी बहुत रीजनेबल लगे थे मुझे। और इनकी शॉप का नाम है साजिद क्लॉथ हाउस, ये पार्क ज्वेलर्स के बिल्कुल साथ ही है। मेन मार्केट में भी इनका एक डोर ओपन होता है और 4 ब्लॉक जो लेसों वाला ब्लॉक है ना, वहां से भी इनका डोर ओपन होता है, वहां उस गली में भी। तो जो लोग भी चिचावतनी आते हैं, यहां से शॉपिंग करते हैं, वो अगर विजिट करना चाहें तो ये बहुत अच्छी जगह है कपड़े लेने के लिए। हम लोग सारे कपड़े लेके दोबारा लेसों वाली गली में आ गए थे, वहां से हमने सारे कपड़ों के साथ लेसें भी मैच कर ली और जो जो बटन्स वगैरह लेने थे सारी चीजें ले ली। आज ही हमने ये सारा काम खत्म किया और आप यकीन करें उसके बाद ऐसा मेरा दिमाग घूमा है कि ना मुझे ज्वेलर का याद रहा, मेरे जेहन से निकल गया कि मैंने ज्वेलर के पास जाना है, और ना ही मैंने कोई 2-3 और चीजें लेनी थी वो याद रही, बस मैंने घर भागने वाली बात की। इतनी गर्मी थी, मुंह जल रहा था मेरा, और मैंने अपना हिजाब पूरा अपने मुंह के ऊपर ऐसे लिया हुआ था जैसे हम घूंघट नहीं निकालते, इस तरह गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी। खैर जी, हम लोग घर वापस आए हैं तो अम्मी ने हमारे लिए खाना बना के रखा हुआ था। हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद शॉपिंग वाला पटारा खोल के बैठ के सबको मैंने अपनी शॉपिंग दिखाई और सबको माशाल्लाह बहुत पसंद आए थे कपड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मेरी शादी हुई है ना, पहली दफा मैंने चीचावतनी से शॉपिंग की है, वरना हमेशा मैं कराची से शॉपिंग करती थी या साहिवाल जाके। इस दफा मेरा प्लान था कि जब मैं सितंबर अक्टूबर में जाऊंगी ना, तो मैं मुल्तान और लाहौर से जैसे अपने भाई की शादी के लिए बरी वगैरह खरीदूंगी, अपनी भी साथ शॉपिंग कर लूंगी, लेकिन कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। और इतनी ज्यादा गर्मी है, बच्चों को मैं इतनी देर के लिए छोड़ के दूसरे सिटीज में जा ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चों को मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना, घर छोड़ के जाती हूँ, इनको कभी मैं साथ लेके नहीं गई। यहाँ चीचावतनी भी मैं कभी नहीं लेके जाती क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, हम लोग इतना घबरा जाते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे और ज्यादा तंग होंगे। और बड़े सिटी में जाओ तो आपको पता है दिन रात भी लग जाता है और इतनी देर ये मेरे बगैर रहते ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि चलो यहाँ से जो मिलता है उसी को मैं गनीमत समझू। अच्छा जी, शाम का टाइम था अभी और हम लोग जा रही थी अपनी भाभी को मिलने के लिए। जब हम लोग रिक्शे में बैठ के जा रही थी ना, आप यकीन करें हमें अंदाजा ही नहीं था कि हमारे रिक्शे की छत के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है। हम लोग ने एक दूसरे से इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रही थी, इतना हंस रही थी, आपको पता ही है रिक्शे में बैठ के ऊंची आवाज में बात करें तो अगले को सुनती है।
लोगों ने अपना ही रोला डाला हुआ था रिक्शे में, हमें कोई खबर ही नहीं कि छत के ऊपर कोई बैठा भी हुआ है। ये बिलाल के बाबा ने वीडियो बना के हमें बाद में दिखाई, कहते ये देखो एक आदमी बैठा हुआ था बेचारा। मैंने कहा वो क्यों बैठा था? कहते उसकी पिछले गांव में फौतकी हुई थी, कोई रिश्तेदार उसका फौत हो गया, वो बेचारा चीचावती से इसी रिक्शे पे आया था, और जब तुम लोग सब बैठ के यो ना तो उसको जगह ही नहीं मिली, वो बेचारा छत पे ही बैठ गया। वो कहता कोई मुश्किल नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे जनाजे से पहले पहले पहुंचा दो, उसके दफन होने का टाइम है, मेरा वो रिश्तेदार है, मुझे उसका मुंह देखना है, तो बस मुझे पहुंचा दो। तो इसलिए बेचारा फिर छत पे बैठ के वहां पिछले गांव तक आया। और यकीन करें सऊदीया में हमने कभी ऐसा सीन नहीं देखा, ऐसे एडवेंचर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं। अच्छा जब हम लोग भाभी के घर जा रहे थे ना, हम भी रास्ता भूल गए, हम सीधा आगे भागे जा रहे थे, बाद में पता चला नहीं जी ये रोड मोड़ के अंदर आना था। आप लोगों को मेरे गांव के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बातें बड़ी मज़े की लगती हैं, इसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, आप यकीन करें ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर दोबारा जान आ गई है, फिर मेरा दिल करता है मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ सारे व्लॉग्स शेयर कर दूँ। यहाँ देखें बेचारा दूल्हा राजा हमारा एक साइड पर लग के बैठा हुआ है, इसकी शादी हमने करनी है अपनी भाभी की छोटी बहन के साथ। हम लोग मिलते हैं ना, हमें अपना पहली दफा का मिलना हमेशा याद आता है। पहली दफा जब हम अपनी भाभी को देखने आए थे ना, उस टाइम मैं, अम्मी और हमारे मामू थे। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी हमें खुशी हुई थी एक दूसरे के साथ मिलके, ऐसे लगा ही नहीं था कि ये अनजान लोग हैं, हम इनको पहली दफा देख रहे हैं, पहली दफा मिल रहे हैं, ऐसे लगा था जैसे दूसरा घर है हमारा। ये भी कोई भी हमें गैरों वाली बात नहीं महसूस हुई थी, इतनी अपनाइयत महसूस हुई थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा प्यार आज भी इतना ज्यादा है, पहले से भी शायद कई गुना ज्यादा हो गया, और इसी प्यार की वजह से हमने अपने रिश्ते और ज्यादा गहरे कर लिए। माशाल्लाह हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है ना एक दूसरे के साथ, कोई भी हमें देख के गैस नहीं कर सकता कि ये बहनें हैं या नंद भाभी हैं, माँ बेटी है या सास बहू हैं, किसी को अंदाजा ही नहीं होता हमारे साथ बैठ के कि ये रिश्ते में आपस में क्या लगते हैं। अल्लाह पाक हमेशा हम लोगों का प्यार ऐसे सलामत रखे। खैर जी जाते जाते हमने अपनी थोड़ी सी यादें इकट्ठी की हैं, हम सब ने मिलके पिक्चर्स ली थी, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे घर वापस। अच्छा हम लोगों ने प्लान किया था कि हम थोड़ी देर के लिए ट्यूबवेल जाएंगे क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया था, लेकिन फिर इतनी ज्यादा रात हो गई, वहां पर हम बातें करते करते इतनी देर कर आए कि फिर हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम ट्यूबवेल पे रुके, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा अंधेरे वाली जगह है तो यहाँ पे भी खौफ आता है रात के टाइम। घर आके हमने फिर बाहर से खाना खा लिया था, फिर हमने खाना खाया। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।